बुधवार को महिला जिला अस्पताल में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने औचक निरीक्षण कर डॉक्टरों के साथ बैठक किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने महिला जिला अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली, पंजीकरण काउंटर को कंप्यूटर युक्त बनाने का निर्देश दिया, प्रसव की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश दिए तथा शौचालय एवं स्नानागार हर घंटे साफ सफाई रखने की जानकारी दी। तीमारदारों को बैठने की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और जिला अस्पताल द्वारा किसी भी प्रकार की कमियां या कोई कर्मचारी लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, उप जिलाधिकारी कुलदीप मीणा, संयुक्त मजिस्ट्रेट सुमित महाजन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे तथा महिला जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य डॉक्टर उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, चल रहा है काउंसलिंग चल रही है, ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसमें कंप्यूटर लगाने को बोला, पर्ची देने को बोला, वो सिस्टम चल रहा है क्यों? एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गैप्स हैं उसको सूचीबद्ध किया था, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। कभी जिला अस्पताल में प्रसवों की संख्या दोगुना हुई है, ओपीडी और बेड ऑक्यूपेंसी, विभिन्न सेवाएं, वो सभी में वृद्धि हुई है, ये अच्छी बात है, हर्ष का विषय है और लगातार इसे निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे द्वारा हमने एक टीम सीडीओ साहब की अध्यक्षता में गठित भी की है, सीएमओ द्वारा, सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करते रहेंगे और इसको एक वैश्विक स्तर की संस्था बनाने के लिए जो शासन की मंशा है उसी अनुरूप हम लोग कार्य कर रहे हैं। काफ़ी सुधार आए हैं, यहाँ पे आपसी सामंजस्य की जो कमी थी वो खत्म हो रही है और सभी लोगों द्वारा तत्परता से काम किया जा रहा है और हमने ये निर्देशित भी किया है कि अगर कोई मरीज को किले शोषण या किसी तरह की अवैध अनियमितता होती है तो निरंतर यहाँ पर हमारे टिकाई ऑपरेशन चलते रहेंगे और कार्रवाई होगी और उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। थैंक यू।